हेलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपको ये बो नोट वाली आपको स्लिप्स बना के दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए जो पहले मैंने स्लिप्स लिए, एक स्लिप पे मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये मैंने डबल फोल्ड कर लिए, इसकी लेंथ मुझे पहले मेजर कर लेनी है। तो ये मैंने एक डोरी के लिए एक वाली ये लिया है, तो 7.5 ये लिया है। इससे अलग मैंने ये 16 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ली है एक साइड के लिए, तो एक बाजू पे हमारी दो पट्टियाँ लगेंगी। तो आपको इस तरीके से दो पट्टियाँ बनानी है एक बाजू के लिए, और दोनों बाजू के लिए आपको 4 पट्टियाँ बनानी है सेम ही उससे। ये 3.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। इसको पहले हम उल्टा करके एक तिरछी सिलाई दे देंगे, ताकि जो हमारा बो के लिए डिज़ाइन बने वो अच्छा लगे। इस तरीके से एक तिरछी सिलाई दे दूंगी मैं इसमें। उसके बाद इसे पलट के और जो भी एक्स्ट्रा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा दूंगी इस पर पूरे पे ही। इस तरीके से पूरे पे एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें 4 पट्टियाँ तैयार करनी है। आप चाहे तो सीधी सिलाई लगा के आप पलट भी सकते हो, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। पलटने में टाइम लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये भी आपको काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर आधा आधा इंच ले लिया है मैंने अंदर। उसके बाद इस तरीके से सीधी, इसी तरीके से ये 4 पट्टियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। इसके बाद इन पे प्रेस करके इन्हें सीधा कर लेना है। चारों ही पट्टियों पे मैंने प्रेस करके इन्हें तैयार कर लिया है। अब ये दो पट्टी हमारी एक बाजू पे लगेंगी। तो सबसे पहले हमें जो ये आधा आधा इंच अंदर करके हमें एक सिलाई लगा लेना है बाजू पे। उसके बाद हम इन पट्टियों को इसके ऊपर अटैच करेंगे। उसके बाद ये मैंने डबल फोल्ड कर लिए। उसके बाद मैंने 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया। 1.5 इंच ही मैंने दूसरी साइड भी निशान लगा लिया, बीच में हमारा 3 इंच ये खाली रहेगा। उसके बाद जो हमारा ये सिला हुआ साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा, और ओपन साइड हमारा सिलाई की तरफ जाएगा, जो हमारा कपड़े में के साथ दब जाएगा बाजू में। ये देखिए दोनों पट्टी हमारी लग चुकी है। अब जिस तरीके से मैं इसमें आपको बो बना के दिखा रही हूँ, आपको भी उसी तरीके से बनाना है, तभी आपका बो बन पाएगा। पर इस तरीके से एक नॉट लगा लेनी है। उसके बाद ऊपर वाली पट्टी को इस तरीके से उंगली के नीचे दबा के पलट लेना है वापसी, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से करना है आपको भी सेम। उसके बाद जो दूसरी साइड है उसे डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ खींचना है इस तरीके से, और बाद में फिर धीरे धीरे खींचना है दोनों तरफ से। उसके बाद आपका ये बो बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से दोनों साइडों से आपको धीरे धीरे खींचना है। आप एक दो बार करोगे तो आपको भी ईजीली ये बनाना आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, तभी आपका ये बो बन पाएगा। बाद में चाहे तो आप इसमें टांगा भी लगा सकते हो, अगर आपको बार बार नहीं करना है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।